नमस्कार बच्चों, मैं हूं परशुराम सिंह ठाकुर। आज आपको क्लास टेंथ का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं, जिसमें HCF एवं LCM अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर बताएंगे, जो कि एक मेन टॉपिक है। इस HCF और LCM से एक क्वेश्चन निश्चित ही है कि आएगा, जो कि प्रश्नावली 1.2 का है। ठीक है, तो आज आपको मैं HCF और LCM समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आज आप देखेंगे किस प्रकार से HCF और LCM अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर अपन निकालते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है 1.2 का। ठीक है, तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। यहाँ पर क्या दिया है, HCF और LCM ज्ञात तो करना ही है और उत्तर की जांच भी अपन को करना है कि जिन दो संख्याओं का अपन HCF और LCM निकालेंगे उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, उसके बाद HCF जो आया और जो LCM आया उन HCF और LCM का भी क्या करेंगे, गुणा, तो दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसकी अपन जांच करेंगे, यदि दोनों का आंसर बराबर आता है तो अपन कह सकते हैं कि अपना HCF और LCM करेक्ट है, अन्यथा गलत होगा। ठीक है, तो इसके लिए आगे अपन देखेंगे HCF और LCM निकालना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। तो 26 और 91 का HCF और LCM अपन निकालेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। ठीक है, तो HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 91 और 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कौन से गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे इसमें, पहले 2 एकम 2, 2 3 6, 13 आ गया, 13 एक 6 में अभाज्य संख्या है, तो 13 में कितने से भाग जाएगा, केवल 13 से, 13 एकम 13। तो जो 26 के अभाज्य गुणनखंड निकले वो कितने निकले, 26 के अभाज्य गुणनखंड निकले 2 और 13। 2 कितने बार आए, एक बार, तो 1 की घात। 13 कितनी बार आए, एक बार, तो 13 के ऊपर भी 1 की घात। उसके बाद 91 के गुणा अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 91 में कितने से भाग जाता है ये देखेंगे, तो 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं आएगा, 5 से भी नहीं, 7 से जाएगा। 7 से देखो, 7 एकम 7, 9 में से 7 घटा कितने बचे, 2, 7 3 21, कितने आएगा, 13, 13 में कितने से जाएगा, 13 से 13 एकम 13। 91 के अभाज्य गुणनखंड कितने निकले, 7 गुणे 13, यहाँ पर 7 कितनी बार आए, एक बार ओनली, तो 1 की घात। 13 कितनी बार आए, एक बार, तो 13 के ऊपर भी कितने की घात लगा दी अपन ने, 1 की घात लगा दी। ठीक है, उसके बाद आगे अब ध्यान रखना HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले अपन HCF निकालेंगे, तो HCF निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, उभयनिष्ठ, इन दोनों में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। कौन सा, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब जो संख्या दोनों में हो, जो अभाज्य संख्या दोनों में हो और उसकी सबसे छोटी घात देखेंगे। यहां पर देखेंगे 26 और 91 में 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें, इसमें नहीं, लेकिन 13 दोनों में उभयनिष्ठ है। 13 दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, तो सबसे छोटी घात कितने की है, 1 की। तो यहां पर अपन HCF देखेंगे, HCF, ठीक है, दोनों के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, दोनों के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड यहां पर कितने हैं, 13 है दोनों का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अपना HCF होगा। ठीक है, HCF, तो जो दोनों में हो, 13 इसमें है, 13 इसमें है, इसलिए अपना HCF कितना हो जाएगा, 13, एक तो ये अपना आंसर आ गया HCF 13। अब निकालना अपन को LCM, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, LCM में क्या करना है, अधिकतम घातों वाले गुणनखंड देखना है दोनों के। तो यहां पर 2 है, सबसे पहले कितना है, 2, तो 2 के ऊपर तो 1 की घात है, तो 2 एकम 2,
यहाँ पर 13, इसमें 13, तो एक जोड़ी से केवल एक संख्या लेना है, तो 13 ले लिए अपन ने, 13 के ऊपर भी अधिकतम घात एक ही है, और यहाँ पर कितने हैं 7, इसमें जोड़ी से कोई मतलब नहीं, मतलब उभयनिष्ठ से कोई मतलब नहीं, सभी संख्याओं को लेना है, तो यहाँ पर होगा 2 × 13 × 7, तीनों को गुणा करेंगी, ठीक है, तो 13 × 26 × 7 गुणा करो 46, हाँ सलाइन 2 × 7 = 14, 14 × 2 = 16, 162। यहां पर एचसीएफ आया अपना 13 और एलसीएम, एलसीएम कितना आया अपना 162। आधा क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो गया, लेकिन सवाल क्या हो रहा हूं, उत्तर की जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, एचसीएफ गुणित एलसीएम, तो अपन को ये सूत्र लगाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम होता है, ठीक है, तो इतना आप बता लो, वीडियो को रोक कर इसके बाद अपन इसी के लिए जांच करेंगे आगे, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, इसके लिए अपन आगे करेंगे, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, ठीक है। यहां पर दोनों संख्याएं कितनी है, एक 26 और एक 91, तो 26 × 91 बराबर एचसीएफ कितना आया अपना 13 और एलसीएम कितना आया 162, ठीक है। तो अभी यहां पर 26 और 91 और 13 और 162 दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है, तो 26 और 91 का गुणा किया अपन ने तो कितना है 2361, यहां पर गुणा कर दो 2300, यहां पर गुणा करो 6 × 6, यहां पर 26 और 91 का गुणा किया तो आया 2366, यहां पर करो 13 × 26 की 66 13, 23, 23, ठीक है, यहां पर 2366 और यहां पर भी कितना है 2366, अतः हम कह सकते हैं कि अपना एचसीएफ और एलसीएम कैसा है, ठीक सही है, ठीक है, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, तो ये अपन ने उत्तर की जांच कर ली, तो ये बहुत ही सरल है करना, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए सब उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो और सबसे छोटी घात हो, तो इसमें अपन को मात्र 13 देखा दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसलिए अपन ने कितने लिख दिए 13, और एलसीएम निकालने के लिए सभी संख्याएं लेंगे और यदि उभयनिष्ठ है तो उससे केवल एक लेंगे और एलसीएम में अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी घात लेंगे। एक बात और ध्यान रखना, यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो एक तो सभी में होता है उभयनिष्ठ, ठीक है, इसलिए उसका एचसीएफ क्या होगा एक, क्या होगा एक, जैसे हमने बोला 2 और 3 का है एचसीएफ क्या होगा, तो 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा एक होगा, ठीक है। तो इसके लिए इसके बाद देखेंगे अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी एचसीएफ और एलसीएम, तो जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है 510 और 92, अगले क्वेश्चन में कितना है 510 और 92, तो 510 और 92 का एक और सवाल करवाए, ठीक है, उसके बाद 336 और 54 का आप सभी लोगों को निकालना है, तो 510 और 92 इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ठीक है, 510 और 92 का यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 510 और 92, तो 510 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अपन, 2 से भाग दो, 2 × 1 = 2, ठीक है, 2 × 2 = 4, बचो 1, 2 × 5 = 10, बचो 1, 2 × 5 = 10, अब तो 2 से नहीं जाएगा, इकाई क्योंकि में कितने हैं 5 हैं, तो 5 × 5 = 10 = 12, 2 × 1 = 3, 3 से जाएगा, ठीक है, 3 × 8 = 24, 1 × 3 = 15, ठीक है, 8 × 5 कितने होते हैं 13, अब नहीं जाएगा, अब कितने जाएगा 5 से 5 × 5 = 3, 5 × 5 = 30, 5 × 7 = 35, 17 अभाज्य संख्या है तो 17 में 17 सही जाएगा,
ठीक है। उसके बाद निकालेंगे 92 के 2 से, 2 एकाम 2, 2 दूनी 4 होती है 6, 2 चौके 8 और 1, 2 छाऊं 12, 2 दूनी 4 2 3 6, 23 का 23 एकाम 23, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अपन देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड और गुणनखंड, ठीक है। तो यहां पर देखो सबसे पहले 510 के गुणनखंड कितने निकले, 510 दो गुणे तीन गुणे पांच गुणे 17, दो कितनी बार आया इसमें, एक बार, तीन भी एक बार, पांच एक बार और 17 एक बार। यहां पर देखो 92 के गुणनखंड, दो दो गुणे दो कितनी बार आया, दो बार, तो दो बार नहीं लिखेंगे इसके ऊपर, दो की घात लगा देंगे, ठीक है, गुणे 23, जो संख्या जितनी बार आई उतने की घात लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे अपन, HCF। अब HCF निकालने के लिए हमने बताया कि इसमें अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना पड़ेगा जो कि दोनों में हो, क्या में हो, दोनों में हो, और सबसे छोटी घात वाला हो। तो यहां पर देखो इसमें दो है और इसमें भी दो है, इसमें तीन है तो इसमें तीन नहीं, और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मात इसमें दो है और इसमें दो। तो HCF में बताया कि अपन को सबसे छोटी घात देखनी पड़ती है, क्या देखनी पड़ती है, सबसे छोटी घात। तो यहाँ पर दो के ऊपर एक की है, दो के ऊपर दो की है, तो एक की घात छोटी है, दो की, एक की घात छोटी है, इसलिए अपना HCF क्या होगा, दो के ऊपर एक की घात अर्थात दो। HCF के तो निकले अपना दो। उसके बाद निकालना है LCM, क्या निकालना है LCM, LCM में सभी संख्याओं को लेना पड़ेगा जो, और जो संख्या उभयनिष्ठ है उसकी सबसे बड़ी घात लेंगे बस, ठीक है। यहाँ पर देखो दो उभयनिष्ठ है, LCM में बड़ी घात लेना, इसके ऊपर एक की, इसके ऊपर दो की, ठीक है, तो बड़ी घात कितने की है, दो की, LCM में बड़ी घात लेंगे। उसके बाद तीन, तीन के ऊपर एक की है तो तीन, पाँच, पाँच के पाँच, उसके बाद सत्रह, सत्रह के सत्रह, उसके बाद कितने लेंगे, तेईस, तो तेईस के तेईस, ठीक है, LCM। अब यहाँ पर दो का गुणा दो में किया, दो दुनी चार, दो 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 के ऊपर दो की घात है तो दो गुणे दो, दो दुनी चार, चार त्री बारह, बारह पंचे साठ गुणे सत्रह गुणे तेईस, तीनों का गुणा करो साठ सत्रह और तेईस का, ठीक है। तो साठ सत्रह और तेईस का अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 23,460, कितना आया गया, 23,460। तो ये अपना निकल आया LCM, क्या निकला, LCM, HCF निकला दो, LCM निकला 23,460। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी अपन को जांच करना है कि दोनों का आंसर सही है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM, ठीक है। तो दो संख्या कौन कौन सी हैं, 510 और 92, तो 510 गुणित 92 बराबर HCF गुणित LCM, HCF कितना आया है, दो, LCM कितना आया, 23,460, ठीक है। तो दोनों का अपन गुणा करेंगे, 510 कितने कितने का, 510 और 92 का, उसके बाद दो गुणे 23,460 का, तो गुणा किया तो कितना आएगा, 46,920, 46,920 आया इसका, ठीक है। यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो जीरो का जीरो, दो छाऊँ बारह, एक दो हाँ सलाइए, चार दुनी आठ और एक नौ, तीन दुनी छः और दो दुनी चार, 46,920 कितना आ गया, 46,920। तो ये LHS बराबर RHS, मतलब दोनों पक्ष अपने कैसे आ गए बराबर, अर्थात HCF और LCM अपना कैसा है, सही है, ठीक है। तो ये अपना HCF आया दो, LCM आया 23,460 और दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM, ये अपना दोनों आंसर आ गए, ठीक है, बनेगा। आज के लिए बस इतना ही, जो लास्ट को तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54, इसको आप लोगों को करना है और इनकी दो तीन बार प्रैक्टिस करना है, निश्चित ही कि क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे आता ही है।
तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जिससे सभी बच्चे पढ़ सकें। ठीक है।